गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड कम फ्रॉम टू वर्ड्स, वन इज इलेक्ट्रो एंड अनदर इज स्टैटिक्स। हियर इलेक्ट्रो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, रिलेटेड टू चार्ज, एंड स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। तो यहाँ पर इस पूरे नोमन क्लेचर से ही अपने को पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वह अपने आसपास के रीजन में कैसे कैसे इफेक्ट वो प्रोड्यूस करता है या वो खुद कैसे कैसे इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करता है, तो उन सब के बारे में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। तो अब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट। कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उनके बारे में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर अपन ने वर्ड यूज लिया है चार्ज, तो अब अपन देखेंगे कि चार्ज बेसिकली होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसके बारे में अब अपन ब्रॉडली डिस्कशन करेंगे। तो अब अपन हेडिंग डाल लेते हैं चार्ज। चार्ज किसी भी मैटर या किसी भी बॉडी की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके या वो खुद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सके, तो डैट प्रॉपर्टीज इज नाउन एज चार्ज। जैसे मेरे पास एक चार्ज बॉडी है तो यह अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को ये प्रोड्यूस भी कर सकती है और ये खुद भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकती है। बट अगर ये बॉडी न्यूट्रल हुई तो यह अपने आसपास के रीजन में ना तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को ये प्रोड्यूस कर सकती है और ना ही ये खुद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकती है। तो किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए या एक्सपीरियंस करने के लिए बॉडी का चार्ज होना जरूरी होता है। तो अब अपन चार्ज में भी लिख लेते हैं, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब इसके बाद में अपन देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को बेसिकली अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को बेसिकली अपन कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद में अपन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस कि बेसिकली चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं। चार्जेस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पर अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा प्रोटॉन, हीलियम 2+, ETC, ऐसे बहुत से एग्जांपल यहाँ पे होंगे। अब अगर अपन बात करें प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और अगर अपन मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 1.67 × 10⁻²⁷ kg हो जाएगा।
सिमिलरली अपन नेगेटिव चार्ज में बात करें तो यहाँ पे क्या होगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, अधिकता होगी। यहाँ पर अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर अपन चार्ज की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम हो जाएगा। और अगर अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 9.1 × 10⁻³¹ kg हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, जो कि इसकी एसआई यूनिट होती है, और चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है ईएसयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, एंड 3×10⁻¹⁹ ईएसयू यूनिट लगभग बराबर होती है 1 कूलम के। अब इसके बाद में अपन देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज। अपने को पता है करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, I=Q/T। अगर अपन T को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q=कितना आ जाएगा, I×T। बट कुछ बुक्स के अंदर करंट को कैपिटल A एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, A×T आ जाएगी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, तो अपन हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज में अब अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अपने को पता है स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, और ये अपने नॉर्मल अलजेब्रिक सम के रूल रेगुलेशन को फॉलो करती हैं। जैसे यहाँ पर अपन एक बॉडी लेते हैं, इस बॉडी के ऊपर चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, और यहाँ पर चार्ज है Q3। तो इस बॉडी का नेट चार्ज कितना होगा, वो इन चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, Q नेट, वो हो जाएगा Q1+Q2+Q3। अब हम इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ कहीं पे भी चार्ज होगा तो वहाँ पर मास पक्का होगा, अपना जो चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता है। बट इसका उल्टा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर मास हो और उसके ऊपर चार्ज भी हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे अपन एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, तो अपने को पता है न्यूट्रल बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, नेट चार्ज 0 होता है, बट बॉडी का टोटल चार्ज ≠ 0 होता है। बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि मास तो 0 है बट नेट चार्ज ≠ 0, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी, चार्ज इज इनवेरिएंट। अपन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखते हैं कि जो अपना मास है वो वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, और वो किस फॉर्मूले से चेंज होता है, वो फॉर्मूला होता है m=m₀√1 - v²/c²। हाँ, अपनी जो जनरल लाइफ में जो मास में चेंज होता है वो बहुत ही कम होता है, उसको अपन कंसिडर नहीं करते हैं। बट अगर अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या रिलेटिविस्टिकली देखें तो वेलोसिटी के साथ मास में चेंज होता है। जैसे कोई पार्टिकल
वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करने लग जाए तो उसके मास में चेंज होता है, बट अपने चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता। चार्ज अपना चार्ज है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट टू वेलोसिटी होता है, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे अपन यहाँ पे कोई आइसोलेटेड बॉडी लेते हैं, उस बॉडी के ऊपर चार्ज है Q1 प्लस Q2 एंड Q3, तो इस बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, नेट चार्ज वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। अब कैसी कंडीशन हुई कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ गए और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ गए, और कंडीशन कैसी हो गई कि यहाँ पे Q4 चार्ज हो गया, यहाँ पे Q5 चार्ज हो गया और यहाँ पर Q6 चार्ज हो गया। तो अब भी इस बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो इस बॉडी के टोटल चार्ज के इक्वल ही होगा, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी चार्ज इज क्वांटाइज। अब यहाँ पर अपन ने वर्ड यूज लिया है क्वांटाइज, तो क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे अपने पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो वो एक निश्चित स्पेसिफिक वैल्यू को ही ले सके, तो वो अपनी फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई, क्वांटाइज हुई। जैसे आजकल अपन पैसों का लेन देन कैसे करते हैं कि किसी को अपन 5 रुपये देते हैं या किसी को अपन 8 रुपये देते हैं या किसी को अपन 10 रुपये देते हैं, बट आज के टाइम में अपने को कोई ये कहे कि मुझे तो 6.5 रुपये कैश में चाहिए तो वो अपने को पता है कि आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपनी इंडियन करेंसी में 25 पैसे या 50 पैसे आज के टाइम में नहीं चलते, अपनी इंडियन करेंसी 1 रुपये के मल्टीपल में आती है। तो अपनी इंडियन करेंसी भी क्या हुई, क्वांटाइज्ड हुई, जैसे कि स्मॉलेस्ट यूनिट कितनी है, 1 रुपीज़ है। तो सिमिलर टाइप किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, और वो कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी हो जाएगा। यहाँ पे ई क्या है, ई है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, और ई की वैल्यू कितनी है, वो है ई इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है। और यहाँ पे एन क्या है, एन एनी इंटीजर नंबर है, एन की वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 3, 4 ऐसे, बट एन की वैल्यू कभी भी ऐसे नहीं होगी, एन नॉट इक्वल टू 1/2, 3/2, 5/6 ऐसे कभी नहीं होगी। हाँ, आपने कुछ बुक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने देखा होगा कि क्यू इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस E/2, प्लस माइनस E/4, प्लस माइनस E/3, इनको अपन क्वार्क्स बोलते हैं, इनके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, इनके एग्जिस्टेंस की अभी 100% गारंटी नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट E को ही लेकर चलते हैं। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी लाइक चार्जेस विल रिपेल। जैसे यहाँ पर अपन पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और यहाँ पर भी अपन पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब सिमिलर टाइप जैसे अपन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पर भी अपन नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब अपन देखते हैं कि अगर अपन अनलाइक चार्जेस लेते हैं तो क्या क्या होता है, तो अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट। जैसे यहाँ पर अपन एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और यहाँ पर अपन एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी कि अपना यहाँ पे चार्ज क्यू है और इसका मास एम है और ये रेस्ट पर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्रोड्यूस करेगा। अब अपने क्या किया कि अपना चार्ज क्यू है, इसका मास
एम है, इसको किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से अपन ने मूव करा दिया, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ये प्रोड्यूस करेगा। अब इसके बाद में अपन ने क्या किया कि यहाँ पे चार्ज q है, मास m है, और इसको किसी वेरिएबल वेलोसिटी से अपन ने वो करा दिया, किसी एसिलेशन a से अपन इसको एसिलेट करा दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इमिट्स एनर्जी, ये साथ में एनर्जी को भी इमिट्स करेगा, तो ये अपनी चार्ज की क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी।